दस दें कि मोहाली कोर्ट बिक्रम सिंह मजीठिया अज पहुंचे ने जिथे सुप्रीम कोर्ट वालों दी जमानत की म्याद खत्म होने तो बाद आज एक बार फिर तो अपने वकीलों के नाल पेश होने लिए पहुंचे ने। सो पेशी मगरों मुड़ तो अपनी जमानत अर्जी लगा सकणगे। हालांकि मीडिया नाल गल करदे उन्होंने साफ किया है कि वह मानयोग अदालत की जिहड़ा हुक्म है उसकी पालना करते हुए इत्थे पहुंचे ने। हालांकि होर अगे अज कुछ बोलते हुए वह नजर नहीं आए, जिन्हों का कहना है कि पहला वह पेश हो लैन उस तो बाद वह इस बारे बयान देणगे, लेकिन अपने वकीलों नाल पहुंचे ने। और इस तो पहला लगातार बिक्रम सिंह मजीठिया ते उन्हां दे वकील कांग्रेस सरकार ते पोलिटिकल वेंडेटा तहत मामला दर्ज करने के इल्जाम लगांदे आए ने कि सियासी जिहड़ी है किड़ दे तहत ही उन्हां ते परचा जिहड़ा है वह मामले दर्ज किए गए ने। इस नूं लैके लगातार उन्होंने हमेशा ही कोर्ट के हुक्मों की पालना भी की है। दलजीत साढ़े नाल बने हुए ने जो तस्वीर से जानकारी पहुंचा ने। दलजीत, जिस तरह के नाल बिक्रम सिंह मजीठिया ने साफ किया कि कोर्ट के हुक्मों की पालना करते हुए इतने पहुंचे ने, लेकिन पहले दिन तो ही उन्होंने वालों तो उन्होंने वकीलों वालों सरकार की मंशा से सवाल जरूर चुके गए। बिल्कुल दादा, देखो मैं सब तो बड़ा तुम्हें दसना चाहवा कि बिक्रम सिंह मजीठिया वालों जरा अदालत उन्होंने आत्म समर्पण कर दिता है, उन्होंने वालों जी अपनी पक्की जमानत जी है लगाई गई हैगी। हुण जी कोर्ट की जी कार्रवाई जी चलती पई है, जिमें कि असं तुम्हें दसते आ रहे हैं कि पिछले जो अकाली दल के जो वकील है उन्होंने वालों जो बिक्रम मिश्रा जो वकील है उन्होंने वालों लगातार यह दोष लगाए जा रहे हैं कि जो मामला एक पोलिटिकल वंडेटा तहत जो मामला दर्ज किया गया है, इन्हों लेके जी दलील भी जोड़ा गया उन्होंने वालों कोर्ट के भी अदालतों में दी गई है। तो हूँ अदालती जी कार्रवाई चलती पी है कि हम देखना होगा कि अदालत वालों हूँ इस पूरे मामले के की फैसला आता, क्या सुनवाई होंगी है। बिल्कुल, क्योंकि यह बहुत अहम होएगा कि अगे किस तरह के नाल कोर्ट का रुख रहा, क्योंकि चोणां वेले जिस तरह नाल कोशिश इल्जाम लग बिक्रम सिंह मजीठिया वाल लगाया गया कि भावें उन्होंने कोर्ट तो राहत मिली हुई सी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर रेड मारी गई, उन्होंने परिवारिक मैंबरों को परेशान किया गया, कोशिश सी कि किस तरह वो अपने जोड़े परचे ने नामजदगी ना भर पाण। सो अजय विचकार कोर्ट वालों उन्होंने उदो वड्डी राहत मिली सी कि जब तक चोणां ने तद तक कोई एक्शन नहीं होएगा। बिल्कुल, देखो राधा लगातार जिहड़ा यह पूरे मामले लेके पोलिटिकल वंडाटा की गल जी लगातार कही जा रही थी, चाहे जिमें कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को जोड़ा अज 23 फरवरी तक राहत दी थी, वो तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट ने जी की उन्होंने जी की अरेस्ट स्टे लगाई हुई थी, वो बावजूद भी जोड़ा पंजाब पुलिस के जोड़े मुलाजम से उन्होंने घर के उन्होंने रेड की थी, ये कई जे दोष जे सरकार के ऊपर लगातार जे लगाए जा रहे थे, तो उही जी दलील है वही अदालत दी जा रही है। राधा इस वे साढ़े अकाली दल के कई जे विक्रम मजीठिया के नाल अकाली दल के कई जे MLA ने इतने पहुंचे हैं, उन्होंने भी गल करने शर्मा जी आ मामला जोड़ा गा लगातार NK शर्मा जी साढ़े मौजूद ने। शर्मा जोड़ा मामला है लगातार जोड़ा गा किया जा रहा है कि पोलिटिकल बनैटे तहत जोड़ा यह मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें कि मजीठिया साहब कह चुके हैं कि यह पूरा मामला उन्होंने कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि हो गए अज की जी कार्रवाई। देखो आप कोर्ट को बिलीव करते हैं, कोर्ट के अंदर यह मसला कंप्लीटली पोलिटिकल वेंडेटे का मसला सीगा, इलैक्शन करके साड़ी जिहड़ी टॉप लीडरशिप को बदनाम भी करने वास्ते और साड़ी कंपेन को रोकने वास्ते यह कांग्रेस सरकार वालों जिहड़ा मसला उठाया गया और बिक्रमजीत परचा दर्ज कराया गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम इसे की जिहड़ी अहमियत समझते हुए 23 तरीक तक जिहड़ा कोर्ट च पेश होने के हुक्म दिते सीगे, और बिक्रम जी अज कोर्ट के अंदर पेश हुई हैं, कोई भी एविडेंस नहीं, जिन्नियां इनक्वायरियां IG लैवल से हुई उन्होंने कितने बिक्रम जी का किसी लैवल से कोई ना नहीं है। सो अज भी तुम देखो बिना किसी एविडेंस तो सिर्फ एक धारा हैगी 27 जिसे प्रॉब्लम यह हैगी है कि 27 धारा का जो जेल लोअर कोर्ट नहीं दे सकती थी, इस करके केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और उन्होंने हदायतों अनुसार अज बिक्रम जी ने इतने सुरेंडर किया है, और श्रोमणी अकाली दल को कोर्ट से पूर्ण भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी। वेलकम शर्मा जी, देखा जाए पूरे मामले के जिदा कि पहला आह पूरा मामला हाई कोर्ट भी गए जी, हाई कोर्ट के स्टे थी, अरेस्ट स्टे थी, उस तो बाद पंजाब पुलिस वालों जी कार्रवाई की गई घर के रेड की गई, मजीठिया साहब की फैमिली को परेशान किया गया, किस तरीके का असल च सरकार नूं भी क्लीयर कट पता हैगा भी इहदे च कुछ भी नहीं हैगा, ना कोई कसूर आ ना कुछ आ, रेड करन दा मतलब पोलिटिकली इस केस नूं पंजाब दे अंदर चकना ही सीगा, यही मकसद सीगा उन्हां दा वोटां दे दौरान, ते पर लोकां दे इह बाजी कांग्रेस दे उत्ते पिट्ठी पई कि अज कांग्रेस दे जिन्ने कैंडीडेट आ मैं समझ रहा उन्हां दी जमानतां जब्त हो रही, और नवजोत सिद्धू जिन्हें बड़ा रौला पाया सीगा, बड़ा झूठ बोलिया उस टाइम, श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करन दी पूरी कोशिश की, अज्ज उह अपनी सीट भी जिहड़ा
बहुत बुरी तरह हार रहा। सो यह जो झूठा परचा दर्ज पंजाब के अंदर बिक्रमजीत ने करया उसका जवाब तुम देखो 10 मार्च को जो रिजल्ट आने हैं उस टाइम बिल्कुल क्लीयर कट पता लग जाना कि बिक्रमजीत का ना कसूर होंगे जोड़ा झूठा परचा दर्ज करे। बिल्कुल राधा ये सन एन के शर्मा जी ते मैं दसदा की अदालत की जी कार्रवाई हजे चलती पी है कि जिमें कि जो सू पता लगे कि अदालत के जे के मजीठ शाह साहब के जो वकील है उन्होंने वालों एक पक्की जमानत वास्ते जी है एक पटिशन जी अर्जी जी दायर की है कार्रवाई हजे चलती पी अगे की अगे अदालत सुनवाई उस तो बाद की फैसला आता है थोड़ी देर बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल अपने दर्शकों को दस दिए कि मोहाली कोर्ट बिक्रम सिंह मजीठिया पहुंचे ने अपने वकीलों के नाल ते सुप्रीम कोर्ट वालों दित्ती जमानत की म्याद जड़ी है खत्म होने तो बाद अज मानयोग अदालत के हुक्मों के तहत इतने पहुंचे ने ते पक्की जमानत ली अर्जी उन्हां वालों हुण लगाई गई है। सो दस दिए कि थोड़ी देर पहला ही इतने पहुंचे ने मोहाली कोर्ट अपने वकीलों के नाल जिथे उन्होंने मीडिया नाल गल करदिआं कहा कि मानयोग अदालत के हुक्मों के तहत वह इतने पहुंचे ने सुप्रीम कोर्ट वालों जो उन्होंने राहत दी गई थी जो जमानत दी गई थी उसकी म्याद खत्म होने तो बाद इतने पहुंचे ने हुण पक्की जमानत लई उन्हां वालों अर्जी जिहड़ी है वह लगाई गई है। सो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है जो मुकम्मल होएगी उस तो बाद तस्वीर साफ होएगी अगे कोर्ट का की रुख रहिंदा है। दलजीत लगातार बने हुए ने तमाम आगू भी अज इत्थे कई पहुंचे ने बिक्रम सिंह मजीठ के नाल। सो दलजीत जिस तरह के नाल ये मामला बेहद गरमाया रहा है हाई प्रोफाइल यह मामला रहा जिस बिक्रम सिंह मजीठ के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया सी FIR दर्ज की गई सी और जिस तरह की कार्रवाई जी है इस दौरान खासकर चोणा वेले नज़र आई वो सरकार के मंशा से कई बार सवाल चुकते नज़र आए हैं। चोणा के थोड़े दिन पहला ही इस तरीके दे नाल मामला दर्ज करना ये एक अपने आप के एक सरकार के लिए एक जवाब जरा जरूर जरा अदालत की दी है देखने वाली गल होगी लेकिन ये जरूर है कि यह पोलिटिकल वंडा के तहत जरा यह मामला जरा दर्ज किया गया शुरू तो ही जरा अकाली दल आरोप लगाता है कि सरकार जी है किसी भी मामले के उन्होंने खिलाफ जरा झूठा मामला सजा दर्ज कर सकती हैगी इस तरह लेके जो अज भी मैं साढ़े नाल बच्ची रमाना जी मजूद ने सानू दस दिए कि लगातार यह अकाली दल वालों रोक लगते रहे हैं पर हुण अगे अदालत यह मामला किसी तक खड़ा हुंदा हैगा ये अली जिहड़ी देखण वाली गल होगी। सो दस दिए कि मोहाली कोर्ट बिक्रम सिंह मजीठिया जड़े ने वो पहुंचे ने हुण तो थोड़ी देर पहला जिथे कि अपने वकीलों के नाल उन्होंने इतने पहुंच के मीडिया नाल गल करदिआं कहा कि मानयोग अदालत के हुक्मां की पालना करदिआं इतने पहुंचे ने। सो जमानत अर्जी भी उन्होंने वालों अपनी दाखिल जी है वह की गई है उत्ते ही लगातार सरकार से उन्होंने मंशा से सवाल जड़े ने जरूर चुके ने कि किस तरह के नाल सरकार की मंशा रही है उन्होंने टारगेट करन दी सियासी किड़ के तहत उन्होंने परचा जड़ा दर्ज किया गया FIR दर्ज की गई चोणा वेले भी उन्होंने लगातार परेशान किए जाने उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने परिवारिक मैंबर भी परेशान किया गया और कोशिश की गई कि वह जड़ा है अपने नामजदगी का पर पाण जे विचकार कोर्ट तो उन्होंने वड्डी उदों राहत मिली सी उन्होंने जमानत जड़ी दी गई सी ते ए भी साफ हुक्म दिए गए सन कि जब तक चोणा मुकम्मल नहीं होंदिया कोई एक्शन जड़ा है वह नहीं लिया जाएगा। सो पक्की जमानत के लिए हुण अर्जी जड़ी है वह बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने वकीलों वालों लगाई गई है मोहाली कोर्ट के पेश होने लई बिक्रम सिंह मजीठिया जड़े ने वो थोड़ी देर पहला अपने वकीलों नाल पहुंचे ने। दस दिए कि जिस नाल इस मामले दे विच FIR दर्ज की गई सी बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ उसनू लैके सरकार की मंशा से भी सवाल जड़े ने चुके गए सन। सो मोहाली कोर्ट हुण बिक्रम सिंह मजीठिया पहुंचे ने जिथे कि उन्होंने क्योंकि म्याद जड़ी है वह खत्म हो गई सी जो राहत कोर्ट वालों उन्होंने दी गई सी उसकी म्याद मुकण तो बाद अज एक बार फिर पहुंचे मानयोग अदालत के हुक्मों के तहत